तस्वीरें देखिए, हम यहाँ पर सेफ लोकेशन में आकर के मेरे सहयोगी विकास ठाकुर आप तक पहुँचा रहे हैं। ये किस तरीके से नहरों का उफान जारी है न्यूज 18 इंडिया पर, ये तस्वीरें आप ये धर्म नगरी द्वारका से देख सकते हैं, देवभूमि द्वारका से ये तस्वीरें कैसे लहरें अब ये गोमती घाट के प्रांगण तक पहुंच गई है। खतरा काफी भीषण है, खतरा बढ़ चुका है, चुनौती ज्यादा है और ये तस्वीरें यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। आप ही लहरों का उफान देख लीजिए, समंदर में जिस तरीके से हलचल है, लहरें तांडव मचा रही है, जो लहरों की ऊंचाई है वो भी काफी ज्यादा है, डेंजर का बोर्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे हर जगह ऐसी ही तस्वीर आपको नजर आएगी, बड़ा बड़ा डेंजर के बोर्ड यहाँ पर है क्योंकि खतरा बड़ा है। जिस तरीके से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, कच्छ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर ये रह गया है, जकाऊ है, ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है। यहाँ के लोग बताते हैं, जो द्वारका के वासी हैं वो बताते हैं कि ऐसी तस्वीरें उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी है, ऐसी तस्वीरें उनको डरा रही है, लेकिन द्वारकाधीश भगवान उनकी रक्षा करेंगे क्योंकि आज तक वो इस नगरी को बचाते आए हैं। हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये तस्वीरें आप देख लीजिए जिस तरीके से, क्योंकि अरब सागर में जो ये तूफान उत्पन्न हुआ है, बेहद शक्तिशाली डीप डिप्रेशन का ये तूफान जो कि तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर गुजरात में तो होगा ही, 8 जिले प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, पाकिस्तान की कराची में ये टकराएगा, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि जो लोग पहले द्वारका आए हैं, गोमती घाट पर खड़े होना सुखद एहसास करवाता है, गोमती घाट पर खड़ा होना यहाँ पर एक अलग महसूस होता है, लेकिन अब ये तस्वीरें डरा रही हैं, अब ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो चक्रवात तेजी से हाल के सालों में उत्पन्न हो रहे हैं, जैसा कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो तस्वीरें डरा रही है, ठीक है, यहाँ की देखिए, यहाँ की तस्वीरें भी डराती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा लग रहा है कि लहरें जो है वो कुछ नहीं छोड़ेंगी, जो भी आसपास चीजें हैं सब कुछ अपने साथ जो है अपने साथ पानी में बहाती हुई नजर आएंगी। एक बार मैं अपने कैमरा में नसीब सिंह को कहूंगी, नसीब एक बार जरा वाइड एंगल से 360 पे दिखाइए कि आखिर किस तरीके से ये लहरें जो है लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए जमीन को चीरती हुई जो वो लहरें हैं किस तरीके से अब ये कोने तक पहुंच चुके हैं, तट तक पहुंच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अंदाजा ये नहीं था अधिकारियों को भी प्रशासन को भी कि शायद इतनी ज्यादा जल्दी जो है, क्योंकि करीबन 3 बजे का समय, 3 से 5 बजे तक जो है वो शायद टकराने की उम्मीद थी, लेकिन ये देखिए लहरें जो है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, ऊंची ऊंची लहरें आप जहां तक नजर डालेंगे ऐसा लग रहा है कि देखिए मानो कोई मूवी का सीन जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये हकीकत बयान कर रही है गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें, जहाँ पर देखिए आखिर पानी जो है वो कहाँ तक पहुँच गया है, और इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि तैयारी जो है प्रशासन। तो बिल्कुल अनुपमा, ये मेरे सहयोगी विकास ठाकुर ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खतरनाक है। हम भी सावधानी से सेफ लोकेशन में पहुंचते हुए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि आज हमारा तीसरा दिन है देवभूमि द्वारका में, गोमती घाट पर हम लोग मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से ये लहरें आगे बढ़ रही है मानो सब कुछ लीड लेने पर उतारू है, और अब दूरी बहुत कम है, आप देखिए कि ऊंचाई कितनी ज्यादा है लहरों की, और जिस तरीके से ये डीप डिप्रेशन का चक्रवात है सबसे खतरनाक, क्योंकि 1998 में जब कांडला बंदरगाह पर जब तूफान आया था तो उस वक्त 1000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार की कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो, जनहानि बहुत कम हो। यहाँ पर आगे हम नहीं जाएंगे, खतरा ज्यादा है, लेकिन ये तस्वीरें सबसे अहम है, क्योंकि जो भी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, एक बार फिर से विकास ठाकुर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कैसे ये लहरें आगे बढ़ती हुई, समुद्र में लहरों का तांडव जारी है, और जिस तरीके से मौसम तेजी से बदल रहा है, यहाँ पर भारी बारिश होने का अनुमान है, सुबह यहाँ पर भारी बारिश हुई थी, अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये चिंता की बात है, क्योंकि जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नुकसान होगा कच्छ में, नुकसान होगा द्वारका में, लेकिन भगवान द्वारकाधीश की ये नगरी, और जिस तरीके से द्वारकाधीश मंदिर में झंडे लगाए गए थे, क्योंकि वो दर्शाते हैं चंद्रमा को, वो दर्शाते हैं सूर्य को, यानी कि ये कृष्ण की नगरी, भगवान द्वारकाधीश इस नगरी की तब तक रक्षा करते रहेंगे जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेगा।